अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का लतीफ़ा। एक कंजूस की हिकायत है कि उसके घर कोई मेहमान आया हुआ था। उस कंजूस ने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो उम्दा गोश्त लेते आओ। बेटा बाहर गया और काफ़ी देर बाद खाली हाथ लौटा। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटे ने कहा, मैं कसाई के पास गया और कहा कि जो सबसे उम्दा गोश्त है तुम्हारे पास वो दे दो। कसाई ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा गोया कि मक्खन हो। तो मैंने सोचा, अगर ऐसा ही है तो मक्खन ही ले लूं। तो मैं मक्खन वाले के पास गया और कहा, जो सबसे उम्दा मक्खन है तुम्हारे पास वो दे दो। मक्खन वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा गोया कि शहद हो। तो मैंने सोचा, अगर ऐसा ही है तो शहद ही ख़रीद लूँ। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, जो सबसे उम्दा शहद है तुम्हारे पास वो दे दो। तो शहद वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गोया कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। तो मैंने सोचा, अगर यही किस्सा है तो पानी तो है ही घर में मौजूद, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप ने कहा, वाह बेटे, यह तुमने बहुत शातिराना अकल भिड़ाई, लेकिन एक नुकसान कर दिया, वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटे ने कहा, नहीं अब्बा, ऐसा नहीं है, मैं मेहमान की चप्पल पहन के गया था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।